अरे फातिमा बहन, कुछ लीजिए ना आप। सलीम बेटा शर्माओ नहीं, चाय वगैरह लो। सायका, इन लोगों को चाय दो ना। थैंक यू। ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी देख लेती हो ना? जी जी माशाल्लाह, बखूबी घर के काम कर लेती है। ओह, मैंने तो ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया। पहली शादी पे तो ये सवाल पूछा गया होगा ना? जो बीत गई सो बात गई। मेरी बेटी को 7 साल हुए बेवा हुए, उस वक्त तो राहिल भी बहुत छोटा था। लेकिन ससुराल वाले रख तो सकते थे ना? उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। छोड़े बहन, मजबूरी वगैरह कुछ भी नहीं होती। बस कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। आंटी, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, अपनी अम्मी पे भी नहीं, इसलिए मैं जॉब करती हूँ। है, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा जो राहिल है ना, शादी के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? अम्मी ये कहना चाहती है, शादी के बाद जो हमारी औलाद होगी उसे हमारा प्यार मिले। और मेरा बेटा राहिल, उसका क्या? भाई उसे किसी यतीमखाने में भेज दो, सब उसकी देखभाल करेंगे। कैसी माँ है आप? एक माँ होकर दूसरी माँ को उसके बच्चे को लवारिस की तरह यतीमखाने भेजने की बात कर रही है? भाई हमारी तो यही शर्त है, अगर मंजूर है तो ठीक है। आपको क्या मंजूर नहीं होगा? मुझे खुद ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। इस बेवा के तेवर तो देखो। चलो बेटा, तुम्हें को लड़कियों की कमी है? अगर कोई शख्स किसी बेवा को सपोर्ट करना चाहता है, उसे अपनी ज़ौजियत में कबूल करता है, उसकी किफालत की जिम्मेदारी लेता है और उसके बच्चे को वो इग्नोर करता है या कबूल करने से इनकार करता है, तो इस सूरत में उस बच्चे की के जहन पर जो बुरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं या मुरतब होंगे, यकीनन इन साहब को उसका इदराक नहीं है। अगर बच्चे को यतीम खाने में डाल दिया जाए और वालदा सेकंड मैरिज कर लें, तो हम फिर इंसानियत की खिदमत के तहत ये काम नहीं कर रहे। बहैसियत मुसलमान हम ये काम नहीं कर रहे, फिर हम अपनी ख्वाहिश है जिसे पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी बेवा को की किफालत का इरादा रखते हैं, तो फिर उस यतीम बच्चे को भी सीने से लगाएं, उससे भी प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ और उसकी तमाम जुमला तालीमी और तरबियती जिम्मेदारियों को ऑन करें। यकीनन ये वो अमल है कि जिससे अल्लाह ताला आपको आखिरत के और दुनिया के अजर से महरूम नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोनों जहां की बरकत अता फरमाएगा। सायका, रुको सायका। ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? और जो तरीका उन लोगों ने अपनाया था, क्या वो ठीक था? अम्मी, एक माँ के होते हुए उसके बच्चे को लवारिसों की तरह यतीम खाने भेज दिया जाए? कौन भेज रहा है यतीम खाने उसे? अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, मैं संभाल लूंगी राहिल को। कब तक अम्मी, कब तक? अबू रहे नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, आप अब राहिल को खुद को कैसे संभालेंगी अकेले? ऐसा थोड़ी होता है बेटा, शादी के बाद क्या तुम्हारा हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? अम्मी, जिस तरह की सोच थी ना उन लोगों की, एक बच्चे का तो लिहाज किया नहीं उन्होंने, आपका क्या करेंगे? तुम हमारी फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, मेरी बात मान लो। अम्मी, पहाड़ तो वो लोग मुझ पे तोड़ के गए। अम्मी देखें, मैं हूं ना, मैं आपका और राहिल का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, और इस तरह से ये बार बार रिश्ते वालों को बुलाकर मुझे और खुद को तकलीफ मत दीजिए। लेकिन बेटा, लोग जो बातें नहीं, लोगों का काम सिर्फ बातें करना है, उन्हें लोगों की प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके आराम करें, मैं राहिल को खाना खिला के सुला देती हूँ। ठीक है, तुम उसके पास जाओ, मैं खाना लेके उसके कमरे में आती हूँ। जाओ। या अल्लाह, मेरी बच्ची की परेशानी तकलीफ कम कर दे मेरे मौला। राहिल, राहिल बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो?
अब्बा आपने छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अब्बा बताए ना। नहीं बेटा, आपको किसने कहा? वो जो वहाँ पे अंकल आंटी आए हुए तो उन्होंने कहा। मम्मा ये यतीम खाना क्या होता है? मुझे बताए ना। बेटा कुछ भी नहीं होता है। मम्मा आप क्या मुझे वहाँ पे भेज देंगी? चलो मेरा बच्चा खाना खाएगा, शाबाश। नाना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जॉब करूंगा, तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, आगे मम्मा को जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। नानू की जान बिल्कुल सही है। और मम्मा को बहुत तकलीफ हो रही है ना, बस में हो जाती है, उतरती है, मान के लिए बड़ी वाली गाड़ी लूंगा। बेटा अच्छी नौकरी और बड़ी सी गाड़ी के लिए अच्छे खाने और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप पहले खाना खाओ और फिर सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है ना, शाबाश। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तो हर फर्द को हुक्म दिया है कि वो अपने घर के यतीम बच्चों की किफालत करे, उनके साथ मोहब्बत और प्यार और शफकत के साथ पेश आए। लेकिन जब देखा गया कि अफराद खाना यानी चचा या मामू या दीगर घर के अफराद यतीम की किफालत नहीं करते, उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश नहीं आते और उनकी तालीम और दीगर तरबियती उमूर की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, तो फिर मुख्तलिफ वेलफेयर एसोसिएशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बेड़ा उठाया कि इस तरह के बच्चे जो बाप के इंतकाल के बाद या माँ के इंतकाल के बाद अब गली कूचों में फिर रहे हैं, बेयारो मददगार हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो उन्हें एक मुस्तकबिल देने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए और उनकी एक बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए फिर यतीम खानों का कल्चर मारिज़ वजूद में आया। लेकिन बुनियादी तौर पर यह ज़िम्मेदारी उन अफराद खाना की है जो किसी बच्चे के यतीम होने के बाद उनके रिश्तेदारों में शामिल होते हैं। रात को मैंने सादिया से बात की थी, अब किसी उसने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है और वो लोग आज रात को आ रहे हैं। अम्मी प्लीज आप सुबह सुबह फिर से ये टॉपिक स्टार्ट ना कर दें, बॉस ने ये एक अर्जेंट काम दे दिया है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं स्कूल से ले आऊंगी राहिल को। ठीक है अम्मी, थैंक यू। मैं तो बस मेरा बच्चा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? मैं चाय लाती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं तुम बैठो, नाश्ता करो और इसे भी करवाओ, वरना ये खुद से नहीं खाएगा। राहिल बेटा आपने तो कहा था कि आप बड़े हो चुके हैं, खुद से खाना खा सकते हैं, तो फिर आप नानी को परेशान क्यों करते हैं? आप और नानी मुझे नहीं खाना खिलाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। इसे डर है कि तुम कहीं इसको छोड़ के ना चले जाओ। मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना, है ना? नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये लो तुम नाश्ता करो, मैं इसको खिला देती हूँ। वैसे भी तुमने काम के चक्कर में आजकल खाने पीने पे से ध्यान हटा दिया है। अम्मी मैं ठीक हूँ। रात को मैंने सादिया से बात की थी कि ये कैसे लोग भेज दिए थे, ना लिहाज ना मुरव्वत, तो वो माफी मांग रही थी। अब किसी उसने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है और वो लोग आज रात को आ रहे हैं। अम्मी प्लीज आप सुबह सुबह फिर से ये टॉपिक स्टार्ट ना कर दें, खासकर राहिल के सामने। अम्मी इसके दिलो दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, प्लीज। बेटा आपका नाश्ता हो गया तो मैं आपको स्कूल छोड़ दूँ, फिर मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा मेरी बात तो सुनो बेटा। स्टेप फादर, अगर वो बच्चे पर तवज्जो दें, उसे इग्नोर ना करें, उसकी ख्वाहिशात जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उसको वो पूरा करें, प्यार और मोहब्बत उसे दें और उसके साथ सोतेलों वाला सलूक ना करें, तो यकीनन वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा फ़र्द साबित हो सकता है। लेकिन अगर उसे इग्नोर किया जाए, उसे बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उसकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी ना की जाएँ, उसकी एजुकेशन पर तवज्जो ना दी जाए,
या उसके तरबियत पर तवज्जो ना दी जाए तो मुसलसल इग्नोरेंस और तशद्दुद उसमें मनफी जज्बात और मनफी रुझानात को पैदा कर सकता है जो यकीनन बच्चे के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं है। तुम यही मिल गए यार, बॉस ने ये एक अर्जेंट काम दे दिया है। यार ये हारिस एंड सन्स की फाइल है, इसको एक दफा तुम टैली करो और बॉस को ईमेल कर देना। हामिद, इस प्रोजेक्ट पे तो तुम काम कर रहे हो ना? हाँ यार, बॉस ने लंच टाइम पे काम दे दिया और आपको पता है ना कि आपकी भाभी दो दिन से महकी गई हुई है। हाँ तो यार, तो तुम्हें पता है लंच टाइम है, भूख से पेट में चूहे दौड़े। मैं लंच करके आ रहा हूँ, फिर मैं इसको देख लूंगा पक्का, ठीक है? प्लीज प्लीज देख लो। हामिद सुनो, हामिद का बेटा। हेलो मम्मी, वो आप राहिल को स्कूल से पिक कर लेंगे? सब खैर तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी जी मम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी, कुछ नहीं हुआ है। वो बॉस ने एक जरूरी काम दे दिया, वो अर्जेंट है तो मुझे देर हो जाएगी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं स्कूल से ले आऊंगी राहिल को। ठीक है मम्मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बुनियादी तौर पर तो ये उन अफराद मुआशरा की जिम्मेदारी है कि वो यतीमों के सर पर दस्त शफकत रखे और बेवाओं के साथ मोहब्बत और तआवुन का ताल्लुक कायम करें। लेकिन चूँकि हमारा मुआशरा तकरीबन बेहिस हो चुका है और इस तरह बेवाओं की खिदमत नहीं करता और यतीमों की पर शफकत नहीं करता जिस तरह की तालीमात इस्लाम ने दी हैं, मजबूरी की हालत में बेवाएं अपने बच्चों की किफालत के लिए खुद निकलती हैं और जॉब करती हैं। ये जो ख़वातीन का निकलना है और जॉब करना है बामर मजबूरी, यकीनन शरीयत इसकी इजाज़त देती है, लेकिन इस तमाम के तमाम दौरानिये में वो अपनी इफ़त और पाकदमनी को बरकरार रखें ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी बातें जो उसकी वालदा से मुतालिक हों और वह नाज़ेबा हों, वो मुस्तकबिल में बच्चे की सेहत पर और उसकी तरबियत पर और उसके अखलाक पर और उसके किरदार पर बुरे असरात मुरतब कर सकती है। नानी, मम्मा को फोन करें ना, वो कब आएंगी? बेटा आने वाली होंगी। उनको कॉल करके बुला लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चा बस रास्ते में होगी, आने वाली है। आंटी आप उनका नंबर मुझे दे दे, मैं कॉल कर लेता हूँ। वो नहीं बेटा, वैसे भी वो ऑफिस के काम में मसरूफ होगी और फोन करेंगे तो परेशान हो जाएगी, बस रास्ते में ही होगी, आने वाली है। आंटी मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिला झिझक मुझे कॉल कीजिएगा। राहिल, मम्मा, राहिल, अम्मी, क्या हुआ राहिल को? वो बेटा मैं स्कूल से लेने गई थी, रास्ते में बंदर वाला तमाशा दिखा रहा था, हाथ छुटा के भागा और बाइक से टकरा गया। बाइक से? क्या कह रही अम्मी आप? बेटा राहिल, देखिए आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा राहिल। अंधे हो तुम? हाँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? यह सड़क तुम्हारे बाप की है, जहाँ चलते किसी का भी एक्सीडेंट कर दोगे, बच्चा नहीं दिखाई दिया? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस, मेरा बच्चा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सायका छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे जिस बाइक वाले ने मारा वो तो छोड़ के भाग गया, अगर ये बेचारा उस वक्त नहीं होता वहाँ पर और अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल सही टाइम पे नहीं पहुँचाता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, आप राहिल का ख्याल रखिएगा, बाय राहिल। ठीक है बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो, बिना जाने किसी को भी कुछ कहना सही नहीं है। नाना बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, मैं तुम्हें हल्दी वाला गर्म दूध बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? उसे जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है मैं लाती हूँ।
एक्सक्यूज मी, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। प्लीज आई इंसिस्ट। अच्छा राहिल के डैड? उनकी डेथ हो चुकी है। औरत की बात कर रहा हूँ जो हर वक्त आपके साथ रहे और आपका ख्याल रखे। अब वो मैं शादी की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, लड़की अच्छी होनी चाहिए। फोन करके पूछता हूँ राहिल की तबीयत कैसी है। अरे नहीं भाई, उनकी अम्मी की जगह उनकी बेटी ने फोन उठा लिया तो बस हो गया काम। बेहतर है कि फोन ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, बड़े मसले हैं जिंदगी। ये क्या अकेले में खुद से बातें कर रहे हो? अरे अब्बू, आप अभी तक सोए नहीं? खाली पेट कभी नींद आई है? अबू मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, लेट हो जाता हूँ, आप प्लीज खाना खा लिया करें, मेरा वेट नहीं किया करें। बेटा इससे पहले कभी हमने आपके बिना खाना खाया है? जो आप खा लेते हैं। अरे जब तुम बाप बनोगे ना, जब तुम्हें एहसास होगा, आओ खाना खा लेते हैं। अबू आप चलिए, मैं आता हूँ। आओ। मुझे आज एहसास हुआ कि माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग जब अपनी शरीके हयात को चुनते हैं तो या वो उसकी दौलत को देखते हैं, उसकी शोहरत को देखते हैं, उसके हुस्न व जमाल को देखते हैं, या उसके हसब और नसब को देखते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर वो है कि जिसे तुम दीनदारी की वजह से चुनो। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ ख्वातीन का जब चुनाव होता है, उसकी दीनदारी को नहीं देखा जाता, उसकी शर्म व हया को नहीं देखा जाता, उसके कैरेक्टर को नहीं देखा जाता, आम तौर पर उसकी खूबसूरती को बुनियाद बनाया जाता है, उसके माल दौलत को और उसके हसब और नसब को बुनियाद बनाया जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक वक्त तक के रहती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन दीनदारी से जो उसके अंदर तकवा है, जो उसके किरदार को मेंटेन करता है, जो उसके किरदार को हुसन देता है, ये फिर हमेशा के लिए होता है। तो अगर दीनदारी को देखा जाए, बेशक आप हुस्न व जमाल को भी देखें, अच्छे हसब और नसब को भी देखें, बेशक आप माल और दौलत को भी देखें, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप दीनदारी को भी देखेंगे और इन तमाम चीज़ों को जमा कर देंगे तो यकीनन ये एक बेहतरीन जोड़े के लिए और उनके सफ़र के लिए, जो उनका सफ़र शुरू होने वाला है, उसके लिए बेहतरीन फैसला होगा। एक्सक्यूज मी, आप घर जा रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, मेरी बस आने वाली है, मैं खुद से चली जाऊंगी। देखिए जितना आप मुझे बुरा समझती हैं ना, उतना मैं हूं नहीं। प्लीज आई इंसिस्ट। एक्चुअली आपके ऑफिस का एड्रेस मैंने उस दिन आपकी अम्मी से लिया। मैं राहिल की तबीयत मालूम करना चाह रहा था, पर आपसे डर भी लग रहा था। I'm sorry, शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। नहीं, सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए। सॉरी? एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए था जो आपने मेरे बेटे के लिए किया उससे, पर गुस्से में ना जाने मैं आपको क्या कुछ भूल गई। देखिए मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक आपका रिएक्शन शायद बिल्कुल ठीक था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। बात दरअसल ये है कि मेरे बेटे और मेरी अम्मी के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं।
अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। अच्छा राहिल के डैड? उनकी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मेरा बेटा राहिल ही मेरी कुल कायनात है। अबू, मुझे पता था आपने दवाइयाँ नहीं खाई। अरे बेटा, अभी तो खाना खाया था, दवाई खा ही रहा था। अबू आप बहुत लापरवाह हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर वक्त आपके पास कोई घर में रहे जो आपका ख्याल रखे। अरे बेटा, आप ख्याल रखने वाले हो ना। अबू मैं औरत की बात कर रहा हूँ जो हर वक्त आपके साथ रहे और आपका ख्याल रखे। तो बेटा कोई काम वाली रख लो ना। अबू मैं शादी की बात कर रहा हूँ। तो बेटा इस उम्र में कहाँ शादी करूँगा। अबू मैं आपकी शादी की नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे बेटा फिर मेरे दोस्त की बेटी आसिया बहुत अच्छी लड़की है बेटा। अबू मैं आसिया से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। बेटा कौन है, कैसी है? अबू मैं आपको सब बात बता दूंगा, पहले मैं उसके घर वालों से परमिशन ले लूँ, उसके बाद मैं आपको तमाम बात बता दूंगा। बेटा अच्छी होनी चाहिए। अबू आप बेफिक्र रहिए, लड़की बहुत अच्छी है। जैसे बेटा तुम्हारी मर्जी। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारा मुआशरा अगरचे मुस्लिम मुआशरा कहलाता है लेकिन जो इस्लामी तालीमात हैं हम उन इस्लामी तालीमात से तकरीबन नाबलद हो चुके हैं। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में जिस अजीम और बरतर और बुजुर्ग खातून से निकाह फरमाया, अगरचे आप कवारे थे, वो खातून हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी और वो बेवा थी, और 25 साल महबूब खुदा ने उनके साथ गुजारे और उनकी हयाती में कभी आपने दूसरी शादी नहीं की। तो एक कवारे के लिए किसी बेवा के साथ शादी करना यकीनन ये एक अजर व सवाब का भी सबब है, उसकी किफालत और उसकी दिलजोई का भी सबब है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेकी है। आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे सिर्फ एक मौका दें आप। तुम तो हीरा हो जो आज के इस मतलबी दौर में दूसरों का इतना ख्याल करते हो। ये मेरा बेटा है। क्या तुम शादीशुदा हो और तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया? आंटी राहिल की तबीयत अब कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है, वो सो रहा है और सायका भी ऑफिस गई है, शाम तक आ जाएगी। आंटी मैं इसीलिए इस वक्त आया हूँ क्योंकि मैं सायका की गैर मौजूदगी में ही आपसे बात करना चाहता था। हाँ बेटा बोलो, क्या बात? आंटी एक्चुअली बात ये है कि वो सभी। बेटा क्यों इसके जा रहे हो, बताओ क्या बात है? आंटी मैं सायका को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। आंटी आप नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होंगी, लेकिन। लेकिन क्या आंटी? सायका नहीं मानेगी। लेकिन क्यों आंटी, क्यों नहीं मानेगी, मुझ में क्या खामी है? बेटा तुम में कोई खामी नहीं है, तुम तो हीरा हो जो आज के इस मतलबी दौर में दूसरों का इतना ख्याल करते हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, उसके ना मानने की क्या वजह है? राहिल, वो अपने बेटे राहिल से बहुत मोहब्बत करती है। जाहिर सी बात है, वो माँ है तो अपने बेटे से मोहब्बत करेगी। वो अपने बेटे राहिल से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन जो भी रिश्ता आया उन्होंने सायका को राहिल के साथ कबूल नहीं किया। और मैं अपनी बेटी को हमेशा बहुत प्यार करती हूँ, उसकी फिक्र करती हूँ बेटा। आंटी मुझे आपकी और सायका की फिक्र की अच्छी तरीके से समझ है, आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे सिर्फ एक मौका दें आप। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बेवा और मिस्कीन, यहाँ मिस्कीन से मुराद यतीम है, जो किसी बेवा और मिस्कीन की किफालत करता है और उनके लिए, उनकी किफालत के लिए तगोदो करता है, दौड़ धूप करता है, मेहनत और मशक्क़त करता है, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ये शख्स जो एक बेवा और यतीम और बेआसरा और बेसहारा मिस्कीन की किफालत का ज़िम्मा लेता है और इसके लिए मेहनत और मशक्क़त करता है। तो आपने फरमाया कि सारी रात इबादत करने वाले, सारा दिन रोज़ा रखने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर। फरीदा बहन, पहले तो मैं ये समझा ये मेरी शादी करवाना चाह रहा है। असलम भाई, समीर बहुत अच्छा लड़का है। तो बेटा किसका है? माशाल्लाह,
बहुत प्यारी बेटी है आपकी। वालेकुम सलाम। देखिए बहन, मैं सीधी बात करूंगा, समीर मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। नानी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है, ये आपकी बड़ी बेटी का बेटा है? जी नहीं, ये मेरा बेटा है। क्या तुम शादीशुदा हो और तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया? अंकल आपका बेटा जानता है कि राहिल मेरा बेटा है और आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? हैरान तो मुझे होना चाहिए कि मेरी अम्मी ने मुझे बिना बताए आप लोगों को मेरे रिश्ते के लिए घर बुला लिया। हाँ तो ठीक है, बात साफ हो गई। चलो बेटा उठो। असलम भाई मेरी बात तो सुने। अबू आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज। आपके लिए बेहतर कर रहा हूँ। अबू मेरे लिए सायका से बेहतर कोई भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? अबू मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है, तो मेरी खुशी सायका है। अबू उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसका बच्चा है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? और कसूर है तो सिर्फ इतना कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। अबू अगर सायका जरा सी भी मतलबी होती ना तो अपने बच्चे को छोड़कर कब की अपनी नई जिंदगी बसा ली होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी माँ को और अपने बच्चे को बेआसरा नहीं छोड़ सकती, इसीलिए जॉब करके उनकी जिम्मेदारी उठा रही है। और आपको भी तो ऐसे ही बहू चाहिए थी ना जो सबका ख्याल रखे। अबू हमारे माशरे में लोग यही कहते हैं कि शौहर की शादी के बाद बीवी उसको अपने माँ बाप से अलग कर देती है, लेकिन सायका सबको जोड़ कर रखने वाली है। अबू असलम भाई मेरी चार दिन की जिंदगी, पता नहीं आंखें कब बंद हो जाए। और फिर राहिल ने भी मुझे दिलासा दिया था कि सायका के साथ वो राहिल को भी अपना है, और यही वजह थी जो मैंने सायका को बगैर बताए हुए हामी कर दी। बहन मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है और मैं ये दुआ देता हूँ अल्लाह ताला सलामती रखे। जिन्हें हमारे दस्ते शफकत की जरूरत थी, जिन्हें हमारी कफालत की जरूरत थी, हम ही उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गए। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तो उनके सर पर दस्ते शफकत रखने, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करने और उनकी किफालत करने का हुक्म दिया। तो एक मुस्लिम मुआशरा इस बात को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यतीम या उसकी माँ को सुकून के बजाय बेसुकूनी के मराहिल से गुजारा जाए और उनकी ज़िंदगी गारत कर दी जाए और उनके बारे में ऐसे नाज़ेब अल्फाज अदा किए जाएँ जो एक मुसलमान के शायान शान नहीं होते।